बैक टू मूवीज 360। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी द ब्रूटल रिवर को। ये एक क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी है, तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी के स्टार्ट पे हम 1964 में थाईलैंड के गांव को देखते हैं जो अपना गुजर बसर करने के लिए फिशिंग और पाम हार्वेस्टिंग किया करते थे। और वहीं हम एक नर्स पिकुल को देखते हैं जिसका हस्बैंड नोंग आज ही अपनी छुट्टियों पर घर वापस आया था। और तभी नोंग को वहां देखकर उसका दोस्त नारिन उससे मिलता है जो अब एक ऑफिसर बन गया था, और वो बताता है कि नहर में किसी की मौत हो गई है और वो उसे ही इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है, और वो नोंग को उससे मिलने का कहकर वहां से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि गांव का हेड चर्च एक आदमी डॉम को ढूंढने निकलता है जो 3 दिन से घर नहीं आया था। अब कुछ देर बाद उन्हें नहर में एक टूटी हुई बोट मिलती है और उस बोट को देखकर डॉम की वाइफ को यकीन हो जाता है कि वो भी मारा गया है। अब वो लोग इसी बात को डिस्कस कर रहे होते हैं और तभी एक आदमी को लगता है कि ये किसी एलिगेटर का काम हो सकता है। फिर वो लोग ऑफिसर नारिन को लेकर उस नहर में गेटर को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन नारिन को नहीं लगता कि इस नहर में कोई गेटर मौजूद है। फिर नारिन पुलिस स्टेशन में सभी मरने वालों के बारे में देखने लगता है, लेकिन उनमें से किसी का भी एक दूसरे से कोई लिंक नहीं था, तो उसे यह बात तो समझ आ जाती है कि ये किसी इंसान का काम नहीं। अब तभी उससे मिलने नोंग वहां आ जाता है और नोंग उसे उसके भाई के घर पर दावत के लिए इनवाइट करता है, जिस पर नारिन उससे पूछता है कि उसकी वाइफ भी वहां आ रही है, जिस पर नोंग कंफ्यूज होकर हां कहता है। फिर हम रात में नोंग के बड़े भाई चुआन के घर उन सबको देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि वो उसकी वाइफ का क्यों पूछ रहा था, क्योंकि नारिन पिकुल की छोटी बहन कैट को पसंद करने लगा था और ये बात कैट को भी पता थी। अब डिनर करने के बाद नोंग नारिन और कैट से बात करने को कहता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि नोंग के बड़े भाई की टांग में मसला होने की वजह से वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाए थे, इसीलिए उनका ख्वाब पूरा करने के लिए नोंग ने आर्मी ज्वाइन की और अभी वो छुट्टियों पर गांव वापस आया है। फिर हम नारिन और कैट के बीच एक बॉलीवुड स्टाइल में सॉन्ग देखते हैं, जिसमें नारिन कैट से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है और कैट भी नारिन को पसंद करने लगती है। अब हम रात में एक फिशरमैन को देखते हैं जिसके पीछे गेटर लग जाता है और वो उसे खा जाता है। फिर उसका पेट नहीं भरता तो वो खेतों में जानवरों को खाने आ जाता है और गेटर को देखकर कुत्ता भौंकने लगता है तो गेटर उसे ही खा जाता है। अब अगले दिन गांव में गेटर के हमलों की खबर फैलने लगती है, तो चर्ट एक बुड्ढे नूडल्स बेचने वाले चाचा को अकेले नहर में घूमने से मना करता है, पर वो चर्ट की बात नहीं सुनते और कहते हैं कि तुम लोग जब से डायपर पहन रहे हो मैंने तब से इस नहर में कोई गेटर नहीं देखा, ये सब गाँव वालों ने झूठी खबर बनाई है। वहीं हम नहर के पास दो बहनों ल्यूना और सिट को फ्रेश होता देखते हैं और तभी उन्हें छेड़ने एक लड़का जैक वहां पहुंच जाता है और वो इतना ढीठ होता है कि सिट के मना करने पर भी वो नहीं जाता, तो सिट ल्यूना को वहां से चलने का कहती है, पर तभी वो जैक के पीछे गेटर को देखकर डर जाती है और गेटर फौरन ही जैक को पकड़ लेता है। ये देखकर सिट और ल्यूना उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन गेटर उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर सिट एक साबुन उठाकर गेटर को मारती है और तभी कुछ गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और वो जैक को खींचकर उसे गेटर से छुड़वा लेते हैं, लेकिन गेटर तब तक उसकी दोनों टांगे खा चुका था। अब अगले सीन में हम गांव के चीफ को देखते हैं जो हॉस्पिटल में जैक को देखने आए थे और उन्हें पिकुल से पता चल जाता है कि ये गेटर का ही अटैक है और वो उन्हें गांव वालों को नहर से दूर रखने का मशवरा देती है। अब अगले सीन में वही नूडल्स वाले चाचा को देखते हैं जो चर्ट की वार्निंग के बाद भी नहर में अकेले घूम रहे थे और तभी उनकी बोट की तरफ वो गेटर बढ़ने लगता है और वो बोट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बोट पलट जाती है और फिर गेटर बड़े आराम से चाचा को निगल जाता है। अब अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन देखते हैं जहां उन लोगों ने पता लगा लिया था कि ये गेटर फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर गेटर का क्रॉस है और ये बहुत खतरनाक होते हैं, इसीलिए हमें इसे जल्द मारना होगा। अब रात में हम देखते हैं कि बैठक पर चर्ट उस गेटर को मारने की बात करता है क्योंकि उसकी वजह से कोई भी नहर में जाने से डर रहा है। तभी वहां नुई आ जाता है और बताता है कि उसके पास प्लान है उस गेटर को मारने का। फिर अगले दिन वो कुछ गांव वालों को जमा करता है और एक मोटिवेशनल स्पीच देता है और कहता है कि उस गेटर का दिमाग एक पीनट जितना है और वो हमसे ज्यादा बेवकूफ है और वो हमारे लिए एक छिपकली की तरह है, इसीलिए हमें उससे डरना नहीं है, उससे लड़ना है, और गांव वाले उसकी बातों में आ भी जाते हैं। फिर कुछ देर में वो सब बोट लेकर नहर में आ जाते हैं और उस गेटर को ढूंढने लगते हैं। अब कुछ देर बाद एक आदमी को पानी में हलचल दिखाई देती है तो वो फौरन सबको अलर्ट करता है और सब उसकी तरफ फायर करने लग जाते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि वो गेटर नहीं बल्कि छिपकली थी। अब नोई से देखकर डर जाता है और उस पर फायर करता है, जिस पर चर्ट और एक आदमी पानी में गिर जाते हैं और तभी वो गेटर को उनके पीछे आता देखते हैं और इतने बड़े गेटर को देखकर वो सभी डर जाते हैं और उसे मारने के बजाय वहां से भागने लगते हैं। और फिर वो सब डॉक पर पहुंच जाते हैं और फौरन ही सब बोट से उतरने लगते हैं और चर्ट नुई को गेटर को शूट करने का कहता है। तभी वहां नोंग भी पहुंच जाता है और जब देखता है कि नुई डर रहा है तो वो गन लेकर गेटर को शूट करके जख्मी कर देता है और फिर गेटर वहां से भाग जाता है।
अब अगले दिन से सब इस हादसे के बाद से नहर में जाने से डरने लगते हैं। वहीं नोंग अपने भाई से मिलने उसके घर जाता है तो वो अपनी बोट से आ रहा होता है और नोंग उसे नहर में जाने से मना करता है और तभी गेटर उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन नोंग उसे फौरन ही बचा लेता है और गेटर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम पिकोलो केट को घर जाते देखते हैं और तभी उनके पीछे पीछे नारिन भी वहां आ जाता है और तभी गेटर पुल पर अटैक करके उसे तोड़ देता है और केट उस पर लटक जाती है। अब नारिन उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है लेकिन गेटर एक ही झटके में केट को खा जाता है और नारिन उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। अब अगले दिन हम देखते हैं कि गांव वालों ने गेटर को पकड़ने के लिए एक जादूगर को बुलवाया होता है और वो नहर में एक राफ्ट पर अपना जादू टोना करने लगता है, पर आखिर था तो वो ढोंगी, तो गेटर उस पर अटैक कर देता है और उसे सबके सामने खा जाता है। अब इस हादसे से चीफ उदास बैठा होता है कि तभी नुई चर्ट के साथ वहां आता है और बताता है कि उसे एक असली जादूगर मिल गया है। फिर अगले दिन कुछ गांव वाले फिर से नहर के पास जमा होते हैं और हम देखते हैं कि ये जादूगर भी ढोंगी होता है और वो गेटर को मारने के लिए अपने साथ एक डायनामाइट लाया था। अब वो नहर में उस डायनामाइट को ब्लास्ट करता है और समझता है कि गेटर मर गया होगा, पर वो गेटर इतनी आराम से कहां मरने वाला था, वो इस जादूगर पर भी अटैक करके उसे खा जाता है और फिर जिस पुल पर लोग चढ़े थे वो उसे तोड़ देता है और गांव वालों को खाने लगता है। अब सब गांव वाले किनारे की तरफ स्विम करते हैं और जब गेटर का पेट भर जाता है तो वो वहां से चला जाता है। अब इन सबसे तंग आकर चीफ नोंग से आर्मी की हेल्प लेने पहुंच जाते हैं, जिस पर नोंग उन्हें कहता है कि वो अपने सुपरवाइजर से इस बारे में बात करेगा। फिर कुछ दिन बाद नोंग आर्मी के कुछ लोगों के साथ उस गेटर को मारने निकल जाता है। अब गेटर को ढूंढते ढूंढते उन्हें रात हो जाती है और तभी उन्हें गेटर मिल जाता है, जिस पर वो सब फायर करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार वो गेटर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। अब सुबह तक वो उस गेटर को किनारे पर ले आते हैं जहां अब गांव के लोग भी पहुंच जाते हैं और वो उस गेटर को देखकर समझ जाते हैं कि ये वो गेटर नहीं जो लोगों को खा रहा है, वो इससे काफी बड़ा है। अब ये सुनकर नोंग काफी परेशान हो जाता है। फिर हम 2 महीने बाद का सीन देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो गेटर खतरे की वजह से छुपा हुआ है और बाहर नहीं आ रहा और उन्हें डर होता है कि अगर उसे मारा ना गया तो गांव वाले गांव छोड़कर जा सकते हैं। अब अगले सीन में हम नोंग और नारिन को चुआन के घर देखते हैं और चुआन को लगता है कि शायद वो वापस समंदर की तरफ चला गया होगा, पर नोंग और नारिन को यकीन होता है कि वो अब भी यहीं हैं। तो उन दोनों का मूड सही करने के लिए चुआन उनके लिए फिश बनाने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि फिश की स्मेल से गेटर वहां पहुंच जाता है और तभी नोंग और नारिन को चुआन की चीखें सुनाई देती है और वो भाग कर देखते हैं तो गेटर ने चुआन को अपने मुंह में दबोच लिया था। ये देखते ही नोंग और नारिन उसकी हेल्प करने नहर में कूदते हैं लेकिन गेटर उन पर अपनी पूंछ से अटैक करता है, जिससे वो दोनों किनारे पर गिर जाते हैं और गेटर चुआन को मारकर उसे अपने साथ ले जाता है। अब गेटर के वापस आ जाने से सब गांव वाले फिर से परेशान हो जाते हैं। फिर नोंग उसे पकड़ने का एक प्लान बनाता है और वो प्लान ये होता है कि वो नहर को ब्लॉक कर देंगे ताकि वो गांव की तरफ ना आ सके और वो उसकी मूवमेंट को कम कर सके और जब वो यहां आएगा तो वो उसे मार देंगे। अब रात होते ही गेटर वहां से निकलने की कोशिश करता है और उसे देखते ही सोल्जर्स उस पर फायर करने लगते हैं, जिससे गेटर वहां से वापस चला जाता है। अब अगले दिन नोंग को यकीन होता है कि गेटर शिकार करने के लिए फिर से इस जगह को क्रॉस करने जरूर आएगा और जैसे ही गेटर वहां पहुंचता है सब सोल्जर्स उस पर फायर करना शुरू कर देते हैं और एक सोल्जर उस पर ग्रेनेड फेंकता है लेकिन गेटर उससे बच जाता है और वहां से भागने लगता है। अब पास ही गांव वाले भी खड़े थे और वो भी गेटर पर फायर कर रहे होते हैं तो गेटर उनके पास रुक जाता है और उन पर अटैक कर देता है, जिससे कुछ गांव वाले पानी में गिर जाते हैं और गेटर उन्हें मारने लगता है। अब ये देखते ही नोंग उनकी हेल्प करने पानी में चला जाता है और उन्हें बाहर निकलने में हेल्प करता है और जब सब पानी से बाहर निकल आते हैं तो नोंग गेटर की तरफ बढ़ता है और अपने चाकू से उसकी एक आंख को जख्मी कर देता है। अब गेटर फिर से वहां से भागने लगता है तो नोंग एक ग्रेनेड को गेटर के पास फेंकता है लेकिन वो इस बार भी बच निकलता है और नोंग ब्लास्ट की वजह से किनारे पर पहुंच जाता है। अब ये देखते ही नारिन एक सोल्जर का ग्रेनेड लेकर गेटर की तरफ बढ़ने लगता है और उससे आगे पहुंचकर उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है और फिर वो केट का बदला लेने के लिए ग्रेनेड की पिन निकालता है और गेटर जैसे ही अटैक करता है तो ब्लास्ट से नारिन के साथ साथ गेटर भी फट के मारा जाता है और सभी लोग नारिन की मौत से दुखी हो जाते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।